तो हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं गैलेक्सी नोट 20 का गेमिंग टेस्ट। इसमें आपको एक्सोनोस 990 देखने को मिलता है, 8GB की रैम मिलती है और 256GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है, जो कि UFS 3.0 देखने को मिलती है। ये गैलेक्सी नोट 20 है, तो चलिए करते हैं इसका गेमिंग टेस्ट कैसा रहेगा 2022 में इसका गेमिंग टेस्ट और भी बाकी टेस्ट। और अगर आपको जानना है कि 2022 में इसको खरीदना है या नहीं, तो मेरा वीडियो ऑलरेडी चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाके चेकआउट करना मत भूलिएगा। और वैसे मैं सीरीज मेंटेन कर रहा हूँ कि कौन कौन से फोन आपको 2022 में लेने हैं, जो पुराने फ्लैगशिप रह चुके हैं, एक साल पुराने, डेढ़ साल पुराने, पहले कंपनी ने लॉन्च किए थे और अच्छे खासे फ्लैगशिप थे, बहुत अच्छा प्राइस था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो क्या आपको 2022 में लेना है या उनको अवॉइड करना है, तो मैं उस पर ही काम कर रहा हूँ। तो उस पर पहला वीडियो है जो आप देखेंगे नोट 20 का, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा फोन आने वाले लाइन अपड है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना अगर वीडियो अच्छा लगे। तो हम लोग बेसिकली ये गेम खेलने वाले आप देख रहे हैं, फ्री फायर, एसवार्ड 9, कॉल ऑफ ड्यूटी और BGMI। तो इन चार गेम को मैं थोड़ी थोड़ी के खेलूंगा, पता करेंगे कि कैसा रहता है गेमिंग एक्सपीरियंस। और गाइस, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अगली बार से मेरे पास गन होगी, तो देखिए मैं ये थमो वाली गन ले आया जो कि टेम्परेचर अपने काम आती है। तो इस बार गेमिंग टेस्ट भी होगा और साथ में चलेगा कि टेम्परेचर कितना गेन किया। तो चलिए गेमिंग टेस्ट शुरू करते रहे, टाइम ना गवाए, सबसे पहले खेलते हैं हम लोग सबका प्यारा BGMI। तो अभी हम लोग खेलेंगे BGMI। दोस्तों, इसमें स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है और जो साउंड इफेक्ट आता है वो काफी ज्यादा अमेजिंग आता है, मजा आता है खेलने में, मन ही नहीं करता ये फोन लगाने का, ये लगता है कि भाई मन नहीं लगाएंगे। मैंने सब कुछ इसमें डाउनलोड कर लिया है, पूरा जितना डाउनलोड हो सकता था पॉसिबल। ये देखिए, बस ये ग्राफिक कार्ड नहीं किया था, मैप पास सारे हैं। तो सबसे पहले मैं खेलूंगा, चलिए ये वाला खेलते हैं और देखते हैं कैसा रहता है। और जो ब्राइटनेस आप देख सकते हैं और बैटरी भी आप एक बार चेक कर लीजिए, 85% है। और सॉरी, मैं स्टॉप वॉच ऑन करना भूल गया, एक मिनट ऑन करते हैं। साइड में स्टॉप वॉच भी शुरू हो चुकी है। चलिए हम लोग गेम खेलना शुरू करते हैं। टीम मैच, लेट्स गो, लेट्स गो। ग्राफिक भी आपको चेक करा देता हूँ, अल्ट्रा स्मूथ में एक्सट्रीम खेल सकते हैं, HDR अल्ट्रा, तो हम स्मूथ और एक्सट्रीम खेलेंगे। इससे कोई ये ना जज करना कि मैं गेम कैसा खेलता हूँ, मैं गेम नहीं खेल पाता, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं कोई गेमर वेमर नहीं हूँ, सिर्फ आप लोगों की टेस्टिंग के लिए खेलता हूँ, बस वही खेल खेल के एक दिन प्रो हो जाऊंगा, तो टेस्टिंग करवा लो दोस्तों। दोस्तों, इस सीरीज में iPhone 7 से लेके iPhone 12 तक भी कवर किया जाएगा, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर आपको iPhone का भी एक्सपीरियंस चाहिए कि 2022 में कौन सा iPhone लेना है, कौन सा नहीं लेना है, और 13 तो आप ले सकते हैं आँख बंद करके अगर आपके पास पैसा इतना है। तो अभी तक तो गेमिंग एक्सपीरियंस सही है, स्मूथ एक्सट्रीम में चल रहा है, वो तो यार मैं सोच ही रहते हैं। पहले लोग जीत गए एक मैच और जो ग्राफिक थे वो स्मूथ एक्सट्रीम थे, अब की जो ग्राफिक रहेगा वो एकदम हाई रहेगा। सो लेट्स गो, एक गेम के बाद देखते हैं इसका टेम्परेचर क्या रहा है। पीछे का यहाँ पे 36 डिग्री सेल्सियस है और वहीं पे फ्रंट में बात करते हैं अगर, तो फ्रंट में 34.8 डिग्री सेल्सियस है, 9 है, 0.9 वो एक दो चलता है,
इसको स्किप करते हैं और ओके फिर से शुरू करते हैं गेम को। इस बार जो ग्राफिक रहेगा मैक्स रहेगा। HDR अल्ट्रा पे मैंने सेट कर दिया, मैक्स सपोर्ट कर रहा है। अब इस मैच पे गेम खेल के देखते हैं। और ये जो साइड में मेटल फ्रेम है यहाँ पे हल्का हल्का सा मेरे को हीट देखने को मिल रहा है, बहुत हल्का हल्का सा, ज्यादा नहीं है, पर हाँ पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ गर्म गर्म है। और बैक इतना भी हीट नहीं हुआ है, ये बहुत ज्यादा हीट हो गया, पकड़ा नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं हुआ, नॉर्मल सा है। 34 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता है गेमिंग करते हुए। अरे ऐसे कैसे, रुको अभी मार रहे हैं, फील्ड में आने दो। अरे तुम ऊपर आ गए, तो नीचे आओ, पीछे मार रहे हैं, पीछे मार रहे हैं, हैं हैं हैं, खत्म कर दिया यार इसने डेफिनेटली। ही डिजर्व्स कि मैं उसको मारूं। ये फिर से रह गया यार, दूसरा मारा गया इस बार, कोई बात नहीं। जब इतने लोग इकट्ठा होते हैं तो कोई भी आपको लैग देखने को नहीं मिलता कि गेम लैग मार गया या कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला। और जो कनेक्टिविटी है वो दोस्तों वाईफाई से है, एयरटेल के फाइबर से कनेक्टिविटी है, कोई सिम से नहीं चला रहा, मैं एयरटेल के फाइबर से चला रहा हूँ उसको। जिसने आपको 40 Mbps वाला प्लान देखने को मिलता है। कुछ भी कहो भाई, इसका स्टूडियो बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। थोड़ा फील हो रहा है कि हाँ भाई फोन थोड़ा वार्म हो रहा है, पर इतना भी नहीं हो गया कि मैं खेल ना पाऊँ। हल्का सा हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, बहुत हल्का सा है। अभी गेम थोड़ा और चलेगा और जो ग्राफिक है एकदम हाई है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी किल कितने तकड़े होगा भाई साहब। गैस घर के पास थोड़ी शादी है तो थोड़ा ढोल बजा रहा होगा, अरेंज कर लेना, मतलब समझ लेना। अब वो मेरे हाथ में नहीं है, जितनी नॉइस मैं कंट्रोल कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, वो मेरे हाथ में नहीं है जो ढोल बज रहा है। तो चलिए अब टेम्परेचर फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। और जो गेमिंग की है वो हम लोग ने टोटल 9 मिनट 45 सेकेंड की थी। तो जो फ्रंट का टेम्परेचर है वो देख लेते हैं, 10 का 38 है यहाँ ऊपर। और बात करें अभी नीचे का तो 34.2 है। अब पीछे देख लेते हैं कैमरे के पास, 39.3 है। और वहीं साइड में 34.7 है नीचे मतलब। और साइड पैनल की बात करें तो 31 है। तो दोस्तों ये था 10 मिनट की गेमिंग के बाद, अब हम लोग COD खेलेंगे। इसको हटा देते हैं रैम से और अब हम लोग खेलेंगे COD। और बैटरी जो थी वो तब 85 थी, अभी बैटरी है 81, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अभी शुरू कर देते हैं फिर से रीसेट करके स्टार्ट। ओ सॉरी, मेरे को रीसेट नहीं करना चाहिए था, गलती कर दी।
वो हम लोग जोड़ लेंगे 9:45 शुरुआत वाले जोड़ लेना, गलती से रीसेट हो गई स्टॉप वॉच, तो वो जोड़ लेंगे हम लोग। ओके, कनेक्टिविटी इशू मेरे को कोई भी देखने को नहीं मिला, जिटरनेस लैग कुछ भी तक देखने को नहीं मिला है, और फोन मेरे को बहुत ज़्यादा हीट नहीं हो गया कि भाई तब मैंने जितना हाइप सुना था जब मेरा चैनल ली था कि 990 बहुत हीट होता है, भट्टी बन जाता है भाई, 10 घंटे गेमिंग कर ली है, कम से कम आधे घंटे गेमिंग करेंगे और देखेंगे भाई कितना बड़ा भट्टी बन जाता है, वीडियो एडिटिंग टेस्ट और भी काफ़ी टेस्ट करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। गाइस आप बताइए आपको COD अच्छा लगता है, न्यू स्टेट अच्छा लगता है, BGMI अच्छा लगता है, फिर फ्री फायर अच्छा लगता है? अरे मारो भाई, अभी तक तो मेरा गेमिंग फिनिश एकदम सही है। भाई लोग जीत गए हैं और जो अगला मैच खेलेंगे वो हाई ग्राफिक पे खेलेंगे, अब जो खेल मैच खेलेंगे हाई ग्राफिक पे खेलेंगे और टेम्परेचर भी नहीं निकालेंगे, एक मैच और जाता है फिर टेम्परेचर निकालते हैं। बट हम लोग ग्राफिक पे नजर डाल लेते हैं, बेसिक ऑडियो एंड ग्राफिक्स में जाते हैं, वेरी हाई और मैक्स को हम लोग टिक कर देते हैं, वेरी हाई मैक्स, और ये मैंने डायनेमिक ही रखा है, ठीक है आप लोग देख लीजिए, और मैं इसको बैक कर देता हूँ, सेव ऑटोमेटिक हो जाता है जैसा मुझे पता है, तो मैं इसको बैक कर देता हूँ और गेम को स्टार्ट करते हैं, और स्टॉपवॉच में से स्टार्ट करते हैं, फिर से रीसेट हो गया, कोई बात नहीं हम लोग इकट्ठा जोड़ लेंगे, पता नहीं बाबा रीसेट क्यों जा रहा है यार, बहुत दिन बाद रिकॉर्डिंग कर रहा है इस वजह से, पहला वाला था 9:45, ये था 3:10, और अगला जो है देख लेंगे। ग्राफिक है वो मैक्स है, जो फोन ही मैक्स सपोर्ट करता है वो मैंने लगा दिए, अप्लाई कर दिए, मैं आपको फिर से चेक कराता हूँ, वेट सेटिंग ऑडियो ग्राफिक आप देख सकते हैं वेरी हाई और मैक्स पे मैंने इस बार सेट कर रखा है, तो भाई चलते हैं और खेलते हैं और देखते हैं। वैसे अगर आप इंस्टेंट बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग करते हैं तो आप S20 FE 5G के साथ जा सकते हैं, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिलता है, जिसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। वैसे अगर आपको नोट लेना है, क्योंकि इसका Note 20 अब नहीं आएगा, ये आखिरी नोट सीरीज है सैमसंग की, अगर इस पर्पज से लेना है तो आप ये देख सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको गेमिंग लेना है तो आप S20 FE 5G के साथ जा सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। कहाँ से मार रहा है यार, बम तो फेंकना आता नहीं तुमको, क्या तुम मैच खेलोगे? अरे भाई
लगता है स्नाइपर पड़ गए कितने को। कोई बात नहीं, पड़ जाने दो, वो भी मारेंगे हम भी मारेंगे, जीतेंगे पर हम। तो हम लोग ये दोस्तों ये भी मैच खेल गए, जीत गए मतलब। और अब टेम्परेचर देख लेते हैं फ़ोन का क्या हुआ है। तो जो फ्रंट से टेम्परेचर आपको ऊपर ग्राफ देखने को मिलता है वो 40.7 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। वहीं पे बात करेगा नीचे साइड फ्रंट में डिस्प्ले साइड तो 35.2 है। बात करते बैक साइड कैमरे के ऊपर तो आपको 39.4 देखने को मिलता है। और वहीं पे बैक साइड पीछे यहाँ पे 35.5 देखने को मिलता है। तो हम लोग इसको स्टॉप करते, अब हम लोग खेलेंगे दूसरा गेम यानी कि कौन सा, फ्री फायर। तो दोस्तों मैं नॉन स्टॉप गेम खेला जा रहा हूँ, खेले जा रहा हूँ और इसको फिर से रीस्टार्ट कर देते हैं, इस बार मैं गलती नहीं करूँगा। हवा गलती कर देता था। और बैटरी जो लगी है पिछले वाला सीओडी वाला मैच खेलने में वो लगी है 2% और अब जो बैटरी 70% है। तो गाइस जो ग्राफिक है वो मैंने अल्ट्रा सेट किए हुए हैं, जो हाई रिजोल्यूशन है वो हाई है, जो शैडो है वो ऑन है और जो फिल्टर है वो क्लासिक पे सेट है। हाई एफपीएस को मैंने हाई पे सेट कर दिया है और बाकी आप सारी सेटिंग्स देख सकते हैं। इस सेटिंग में मैं फ्री फायर खेलूंगा। तो गेम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टॉप वॉच ऑलरेडी चल रही है, जब से मैंने गेम को लॉन्च किया तब से चल रही है। और जो बैटरी है वो मैंने बता दिया था 78 थी, 1% और कम हो चुकी है, या 77 भी थी, मेरे को ध्यान नहीं है, एक घंटे पहले की मैंने बात भूल गया। चलो वॉल्यूम फुल करते हैं। तो हमारा प्लेन आ चुका है, हम लोग कहाँ कूदेंगे, हम लोग कूदेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है कूदे, चलो कूदते हैं। अबे यहाँ घर नहीं, थोड़ा आगे चलते हैं। गाइस जो ग्राफिक वो मैक्स है, जो भी फ्री फायर मैक्स ग्राफिक सपोर्ट करता है नोट 20 में, वो मैंने सेट कर दिए हैं। और बैटरी भी मैंने आपको शो कर दी थी, तो जो भी है सब आप क्लीन आप देख सकते हैं। और मैं पहले बता दे रहा हूँ मैं कोई प्रो नहीं हूँ किसी भी गेम में, नॉर्मल कैजुअल गेमिंग मैं भी कर लेता हूँ जैसे बाकी लोग करते हैं। और जितना मुझे पता चल रहा है कोई है यहाँ पे। गाइस अगर ये मैंने गेम नॉन स्टॉप 7-8 मिनट खेला तो उसके बाद मैं दोबारा नहीं खेलूंगा। अरे क्या तगड़ा ग्लिच है। गाड़ी चला के देखते कैसे चलती है ड्राइव। दोस्तों जो डिस्प्ले है 1080p वाली सुपर एमलेड डिस्प्ले है, जो कि काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है। किसी ने फायर किया दोस्तों, बोरा कुछ ने भी नहीं है इसके पास, फालतू में उसने हमको बुलाया। सामने को कोई मेरा दिख रहा है, फिर से पड़ी, वहां से गन आई थी जो मेरे को पड़ी थी भयंकर वाली। हाँ है कोई, ओहो हो रहा,
थोड़ा बंदे मिलेंगे, ये रहा। इसके अलावा भी यहाँ कोई और है, वो रहा। गाइस बहुत हो गया, अभी हम गेम खेलते हम लोग को 16 मिनट हो चुके हैं और अभी भी मेरे को कोई मेजर हीट देखने को नहीं मिल रहा है, ना लैग देखने को मिल रहा है अभी तक। और नीचे चलते हैं बंदे को, वैसे मैं एक मिनट बाद फिर गेम बंद कर दूंगा क्योंकि बहुत लंबा गेम जा रहा है, तो 20 मिनट बाद गेमिंग बंद कर दूंगा। चलो इसी ने गेम ख़त्म कर दिया, मेरे को नहीं ख़त्म करना पड़ा। तो बैटरी है वो आप देख सकते हैं 73% है और जो गेमिंग है वो हम लोग ने 20 मिनट की टोटल कर ली है। तो टेम्परेचर ले लेते हैं, जो ऊपर की तरफ टेम्परेचर है वो 39.3 का है, नीचे का ले लेते हैं 35.8 है और पीछे साइड 38.3 है, वहीं पे नीचे की तरफ 35.4 है। तो टेम्परेचर भी कोई बहुत ज़्यादा गेन नहीं करा जितना मैंने सुना कि टेम्परेचर भाई गेन कर जाता है, इतना कोई हैवी गेम इतना कोई बहुत हाई ज़्यादा टेम्परेचर इसने गेन नहीं कर लिया है। तो चलिए एक गेम और बचा है एसफाल्ट, उसको भी खेल लेते हैं और ये वीडियो पूरा हो जाएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो बनाने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, बहुत टाइम जाता है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट बताना कैसा लगा वीडियो आज का। चलिए इसको फिर से, ये चल रही थी 20 मिनट की गेमिंग की थी, एक मिनट एक्स्ट्रा चल गई, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये एसफार्ड यहाँ खोल दिया है, एसफार्ड में भी जो स्टीरियो स्पीकर का इफेक्ट आता है ना भाई, नेक्स्ट लेवल का आता है, मज़ा आती खेल के। दोस्तों अभी मैं इसमें गेम दो ही गेम खेलूँगा, अब थक गए गेम खेल खेल के, तो दो गेम खेलते हैं। जो डिस्प्ले कलर प्रोड्यूस करती ना भाई, मज़ा आ जाता है देख के लिटरली। आप ही गलत बात है, हम काम करें तो लगे नहीं, खाली 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 तुम यही करोगे। तो हम भी एक दो भेड़ देते हैं, बच गई। हल्का सा यहाँ पे लैग देखने को मेरे को मिला था, लैग देखने को मिला था गाइस। और हम लोग गेम जीत गए, ये फिर से हल्का सा लैग देखने को मिला था इस वाले गेम में, मेरे को दो बार हल्का हल्का सा लैग देखने को मिला था एसफाल्ट 9 में। अब एक गेम और खेलेंगे फिर भाई बंद, इसकी गेमिंग टेस्ट बहुत है।
तो गाइस ये गेम भी हम लोग तो ये वाला गेम भी जीत गए। और भाई यहाँ से बंद करते हैं और देखते हैं जो गेमिंग की है वो टोटल ओवरऑल जो गेमिंग हुई है वो हुई है 25 मिनट की, जिसके पहले हम लोग एक 10 मिनट का रीसेट कर चुके, एक 3 मिनट का कर चुके था वो भी जोड़ दी, तो 34 मिनट और 3 और भाई 28 मिनट तक हम लोग ने टोटल गेमिंग की है। और जो बैटरी देख सकते हैं 71% बैटरी बची हुई है, गेमिंग स्टार्ट की थी 85 पे गेमिंग टेस्ट शुरू किया था, मीन्स वही आसमान लीजिए 40 मिनट के अप्रॉक्स गेमिंग करने के पे जो बैटरी है वो कितनी लग गई 14%। और जो आप टेम्परेचर देख सकते 30.99 है ऊपर, और नीचे की तरफ बात करें तो 35.8 है, बात करते पीछे तो 39.3 है, और वहीं नीचे की तरफ 36.2 है। तो दोस्तों ये था टेम्परेचर इस गैलेक्सी नोट 20 का 40 मिनट 30 मिनट की गेमिंग टेस्ट करने पे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना होता है लेटेस्ट एंड अमेजिंग वीडियोस, ऐसा वीडियो मैं लाता रहूंगा। और किस फोन की आपको गेमिंग टेस्ट देखनी है या फिर आपको ये देखना है कि भाई आप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कोई भी रिलेटेड वीडियो देखना है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको वीडियो देखने की। तो थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे हेल्थी।